सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मार्केट की गिरावट में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिनके फंडामेंटल तो काफ़ी बेहतरीन है लेकिन मार्केट में गिरावट होने के कारण इन शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन शेयर्स में लोअर प्राइस पर पोजिशन बनाने का आपके लिए ये बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो पहला शेयर है वो है आईटीसी। देखिए आईटीसी बहुत ही ज्यादा चर्चित शेयर है और बहुत सारी एजेंसियों द्वारा भी सुझाया गया है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी चाहिए। करीब इसमें जो लक्ष्य बताए गए हैं वो 250, 275 और 300 के लक्ष्य में इसमें बाइंग की जो है आपको कॉल दी गई है लंबे समय के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जब ये गिरावट शुरू हुई थी उसके पहले जो ये शेयर था करीब 230 रुपए से भी ऊपर हुआ करता था, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि करीब 204 रुपए 200 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर आपको लोअर पोजीशन पर इस शेयर में पोजीशन बनाने का मौका आपको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है और आपको निश्चित रूप से इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो देखिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एनसीसी लिमिटेड। अब देखिए गिरावट के पहले अगर इस शेयर को देखें तो ये करीब इसने जो है 100 रुपए के आसपास का अपना जो है हाई बनाया था। आप देख सकते हैं यहां पर आपको चार्ट में दिखेगा, लेकिन मार्केट में जैसे ही गिरावट चालू हुई, मार्केट में जैसे ही प्रेशर का दौर चालू हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं कि करीब 73 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज की अगर बात करें तो इसने 70 रुपए के आसपास का भी लो बनाया था। यानी कि ये शेयर भी काफी ज्यादा नीचे आ गया है और इसमें देखिए राकेश झुनझुनवाला की भी बहुत सारी होल्डिंग्स है, तो इसीलिए भी ये सबका फेवरेट शेयर रहा है। कुछ दिनों पहले यानी कि लॉकडाउन के समय ये 20-30 रुपए में मिला करता था और आज देख सकते हैं इसने 100 रुपए तक का हाई बनाकर फिर से ये 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन मौका इसमें हो सकता है खरीदारी करने का। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो देखिए ये है BHEL। देखिए बहुत सारे लोगों द्वारा इसमें रिकमेंडेशन दिया गया है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब है एक साल डेढ़ साल के लिए बाई करते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो लक्ष्य सुझाए गए हैं वो करीब 65 से 70 रुपए के आसपास के लक्ष्य हैं इसमें। और अभी करंट प्राइस इसका देखें तो करीब 43 रुपए के आसपास है। और देखिए अगर हम गिरावट के पहले देखें, मतलब मार्केट जब बहुत ज्यादा ठीक हुआ करता था, स्टेबल था, थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के केसेस कम आ रहे थे, उसके पहले आप देख सकते हैं करीब 55 रुपए के ऊपर 57 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया था और आज ये 43 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कितना नीचे ये यहां पर आ चुका है। तो इसमें भी खरीदारी करने का मौका आपके लिए हो सकता है लोअर प्राइस पर। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है देखिए कोटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इसके बारे में सभी लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इसका IPO भी कुछ दिन पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसका आपको बता दें कि ये डिस्काउंट प्राइस पर ओपन हुआ था। इसका जो इशू प्राइस था करीब 33 रुपए के आसपास रखा गया था और इसकी लिस्टिंग 31 रुपए के आसपास हुई थी। यानी लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था 2 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से। लेकिन आपको इसमें होल्ड करने की सलाह दी गई थी और आप यहां पर देख सकते हैं जिसने भी होल्ड किया होगा आप देख सकते हैं 63 रुपए का हाई इस स्टॉक ने बनाया। और देखिए जब से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है, इसमें भी प्रेशर आना स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं कि करीब 63-64 रुपए के हाई बनाने के बाद इस स्टॉक को जो है 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसमें भी आपको खरीदारी का मौका बन सकता है। ये स्टॉक भी काफी ज्यादा नीचे चला गया है अपने हाई से। वहीं नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो देखिए यह है CG पावर। आपको कई बार बताया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर जो एक कंपनी है जिसका शेयर कुछ दिनों पहले 5 रुपए पर ट्रेड करता था, लेकिन कंपनी बिकने के बाद देखिए इसमें फ्रॉड हुए थे, फ्रॉड होने के बाद कंपनी बिक गई और बिकने के बाद अच्छे हाथों में चली गई। यानी कि अब यह कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप के हाथ में है और आप देख सकते हैं इसमें खतरनाक जो है अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगते रहे हैं। और ये स्टॉक भी कुछ दिनों पहले यानी कि अगर हम इसको 2 हफ्ते पहले की ही बात करें तो ये स्टॉक 80 रुपए के आसपास का इसने जो है हाई बनाया था, 80-81 रुपए का हाई बनाया था और आज ये शेयर 67 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
यानी कि आपको इसमें भी अच्छा मौका मिल रहा है एंटर करने का। देखिए इस स्टॉक के लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा हैं। एक पहला लक्ष्य 95 रुपये का, दूसरा 120 और तीसरा इसमें 150 तक जाने की संभावना है इस साल के अंत तक। तो देखिए इस स्टॉक में भी आपको पोजीशन बनाने का एक बेहतरीन मौका ये काफ़ी नीचे आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो देखिए बहुत ही जाना माना ये स्टॉक है और बहुत सारे लोगों को इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी दिया है। और देखिए लोगों ने इसमें खरीदारी 9-10 रुपए के आसपास बहुत ज्यादा करी थी, क्योंकि लोगों ने ऐसे सुझाया था कि भाई ये स्टॉक अब आगे जाने की ओर बढ़ रहा है और करीब 17-18 रुपए के टारगेट इसमें आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हैं मार्केट में जब से प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है इसमें भी प्रेशर आया और ये स्टॉक आप देख सकते हैं 9 रुपए के भी नीचे करीब 8.5-8.35 रुपए के आसपास ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोगों के पास इसने खरीद के रखा होगा ये, तो आप यहां पर पोजिशन को ऐड कर सकते हैं और एवरेजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसको नया खरीदारी करना है वो भी यहां पर कर सकता है। निश्चित रूप से ये खरीदारी का अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा नीचे चला गया है और देखिए इसमें अभी जो है खरीदारी करने का मौका बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो देखिए यस बैंक का स्टॉक, यस बैंक का स्टॉक आप देख सकते हैं इसने हाई बनाया था 20 रुपए के आसपास का कुछ दिनों पहले अगर बात करें, और आज ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि करीब ये चलता हुआ, देखिए ये 20 रुपए का हाई नहीं है, यहां पर 20 रुपए का हाई बनाया था और यहां पर ये एक दिन तेजी हुई थी 20% की, लेकिन उसके बाद लगातार ये स्टॉक नीचे आज जाता रहा और आज करीब 14 रुपए 10 पैसे के आसपास ये आ चुका है, यानी कि ये भी काफी नीचे आ गया है। अब देखिए इसका और ज्यादा नीचे आने की संभावना बिल्कुल है, 13 रुपए 50 पैसे या 13 रुपए तक आने की संभावना है। तो या तो आप यहां पर खरीदारी करके नीचे जाने पर और एडिशन कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट करें। निश्चित रूप से मार्केट में प्रेशर है तो और नीचे जाने की बिल्कुल संभावना है और आप 13 रुपए 12 रुपए 50 पैसे या 13.5 रुपए इस रेंज में, मतलब 12.5 से 13.5 रुपए के बीच में आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। आपको ये स्टॉक देखिए लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा, लॉन्ग टर्म पिक होनी चाहिए आपकी, 1.5 साल 2 साल का ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, तभी आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए मनमर्जी स्टॉक है, जब मन बढ़ जाता है जब मन घट जाता है, इसका कुछ ऐसा वो नहीं है कि ये कब बढ़ेगा कब घटेगा। जब कोई न्यूज़ आ गई 20% बढ़ गया, उसके बाद लगातार 50-100 दिन तक ये गिरता ही रहा, तो इस तरीके से स्टॉक है। तो इसमें भी आपको समझ बूझ कर जो है कोई भी फैसला लेना है, लेकिन जो मैंने आगे स्टॉक बताए ये वो काफ़ी बेहतरीन है, अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं मार्केट की गिरावट के कारण, और शायद मार्केट में अगर प्रेशर रहा तो और भी नीचे जाएंगे। तो आपको इन स्टॉक को अपने एक जो है एक वो बना लेना है।